हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का इस उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो बुक है आपकी लुसेंट। जी हाँ, लुसेंट सामान्य ज्ञान मोस्टली अब ख़त्म हो चुका है। अब मैं आप सबके सामने बहुत जल्द ख़त्म करवाऊँगा ये वाली बुक। ये बुक है आपके लिए उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की, और ये उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है जो उत्तर प्रदेश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद में उत्तर प्रदेश लुसेंट बुक की प्लेलिस्ट को एक बार जरूर वॉच करना, जो प्रीवियस पार्ट पार्ट 4 और 5 जो इस चैनल पर ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं उन सबको भी एक बार जरूर वॉच करना। 1 से लेकर के 3 तक जो भी इस बुक में चैप्टर थे वो उत्तर प्रदेश से किसी भी तरीके से संबंधित नहीं थे, तो मैंने उनके वीडियो इसलिए नहीं बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। चैप्टर का नाम है अपवाह तंत्र एवं सिंचाई। देखिए, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अपवाह। और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अपवाह तंत्र। देखिए, एक नदी एवं उसके सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। फिलहाल एग्जाम में आपसे ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। अब देखिए, अगर आप हायर लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पर इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया गया कि अपवाह द्रोणी क्या होती है, अपवाह किसको बोलते हैं, या फिर अपवाह तंत्र क्या होता है, अगर आपको इनमें से कोई चीज़ पूछ ली तब क्या करोगे? इसलिए एक ही बुक पढ़ो, एक बुक को 10 बार पढ़ो, लेकिन ऐसी बुक पढ़ो जो एक स्टैंडर्ड बुक हो। अब छोटी छोटी बुक परचेज करके बच्चे मार्केट चले जाते हैं 15 रुपये 20 रुपये की, उसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर नहीं होती है। फिर क्या होता है, जब हम उनको पढ़ के एग्ज़ाम देने बैठते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जब हम प्रेजेंट होते हैं, तो उनको लगता है कि उस बुक में से कुछ नहीं आया। हमेशा तैयारी करने का यही पैटर्न होता है कि किसी एक स्टैंडर्ड अच्छी सी बुक को मार्केट से जाके परचेज कर लें, उस पर अपना 100% दे दें। जैसे लुसेंट पब्लिकेशंस कोई छोटा बड़ा पब्लिकेशंस नहीं है, किरण पब्लिकेशन कोई छोटा बड़ा पब्लिकेशंस नहीं है, टाटा मैग्रो हिल्स जो स्टेट PC से तैयारी कर रहे हैं छोटे मोटे पब्लिकेशंस नहीं हैं। अब छोटी मोटी बुक परचेज कुछ बच्चे कर लेते हैं, मैंने देखा है कि जिसका नाम भी आज तक मैंने कभी नहीं सुना है या फिर मैंने खुद नहीं सुना होगा, चंपा पब्लिकेशंस। भाई कौन सा पब्लिकेशंस है ये? तो मेरी बात को समझ रहे हो कि मेरा कहने का मतलब क्या है? अब देखिए, मैं आगे बढ़ता हूँ फिलहाल इसमें। देखिए, एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को बोलते हैं जल विभाजक। क्या बोलते हैं इसको? जल विभाजक। पर बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी तथा छोटी नदियों और नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को बोलते हैं जल संभर। याद रखना, वाटर शेड कहा जाता है इसको। और नदी द्रोणी का आकार जहाँ बड़ा होता है वहीं जल संभर का आकार छोटा हो जाता है। अभी आपको शायद मज़ा नहीं आ रहा होगा, जिनका इंटरव्यू लेवल का जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको कुछ टाइम बाद मज़ा आएगा, चिंता मत करो इस वीडियो को सुनने में। देखिए, नदी द्रोणी वे जल संभर एकता के प्रतीक हैं। इनके किसी एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों या संपूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। फलतः इन्हें इनको बोलते हैं सूक्ष्म मध्यम एवं वृद्ध नियोजन इकाइयों एवं क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। अब देखिए, वृक्षाकार प्रतिरूप होता है कुछ, अपवाह प्रतिरूप जो भी होते हैं उनका कुछ आकार होता है जिसको हम बोलते हैं वृक्षाकार आकार। तो जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है, जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ। सेकेंड है आपका रेडियल प्रतिरूप, अरिय प्रतिरूप। जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर, जब कोई नदियाँ होती हैं किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो उसे बोलते हैं अरिय प्रतिरूप। देखिए, अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इस अपवाह प्रतिरूप के एक अच्छा एग्जाम्पल है। आगे बात करते हैं हम लोग जाली नुमा प्रतिरूप क्या होता है। जब नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती है, मतलब 90° एंगल पर वो मिल जाती हैं, तो ऐसे प्रतिरूप को बोलते हैं जाली नुमा प्रतिरूप।
अभिकेंद्री प्रतिरूप जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो ऐसे अपवाह प्रतिरूप को बोलते हैं अभिकेंद्री प्रतिरूप। और वलयाकार मतलब गोल गोल जो नदी किसी पर्वत के चारों ओर वृत्त के रूप में रोटेट करती है, बहती है, चलती है तो उसे बोलते हैं वलयाकार। वलय कैसा होता है? वलय होता है गोल, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वलयाकार प्रतिरूप। अब देखिए उत्तर प्रदेश के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण कितने भागों में करा गया है? एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी चार। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी यहाँ का अपवाह तंत्र है उत्तर प्रदेश का, उसके तीन भागों में उसको डिवाइड करा गया है। कौन कौन से भाग उसके बारे में आप इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप इसको रीड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज़ मैंने हाईलाइट करी है, उस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपके अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर ये बुक आप लोग मार्केट से जाके परचेज कर सकते हैं तो ये बुक आप मार्केट से जाके परचेज कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को देखते समय अगर आप ये बुक ओपन रखते हैं, सेम मेरी बातों पर गौर करते करते अपनी बुक को हाईलाइट करते हैं, इस तरह से स्टडी करेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश का जो भी सामान्य ज्ञान है, उत्तर प्रदेश का चप्पा चप्पा जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सभी आपको कवर हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट वीडियो देख करके नोट्स बना रहे हैं, बार बार वीडियो को पॉज कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो ऐसे कहने के टाइम आपका अधिक खर्च हो रहा है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मार्केट से जाकर इस बुक को परचेज कर लीजिए। अगर मार्केट पास में नहीं है तो आप इस बुक को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेज करने के लिए मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर काफ़ी सारे लिंक आपको मिलेंगे, आपको वहाँ पर इस बुक का लिंक सर्च करना है, ठीक है। सिंपल मैंने लिखा होगा उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान लूसेंट बुक, उसके सामने एक लिंक होगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप पहुँच जाएंगे परचेज वाली वेबसाइट पर, ठीक है। वहाँ से आप इजीली इसको परचेज कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग राज्य के अन्य भागों से अपेक्षाकृत काफ़ी ऊँचा है। तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा भाग जो है अन्य प्रदेशों के मुकाबले काफ़ी ऊंचा है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश का उत्तर एवं पश्चिम भाग। अब देखिए साथ ही क्या होता है, हिमालय पर्वत पर पर्याप्त जल स्रोत हैं और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। एग्जाम में आपसे यही पूछता है कि उत्तर प्रदेश की नदियों का प्रवाह कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन की ओर होता है, तो आपको याद रखना है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों को क्या कहते हैं, तो इसमें किस प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम है, तो इसका नाम है समानांतर। तो यहाँ पे समानांतर अपवाह तंत्र मिलता है, एक बहाव मिलता है जिसको बोलते हैं समानांतर पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम। अब देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये आ चुका है। अब आप अपने साथ में एक मैप लेके बैठ जाइए, अगर आपने एटलस परचेज कर रखा है तो एटलस ओपन कर लीजिए, क्योंकि अब मजा आएगा नदियों के बारे में। तो ठीक है, मैप में आपका रिवर का एक अलग से पूरा चैप्टर होगा, एक अलग से फिगर होगी, उसको ओपन करो, वहाँ पे आप देखिए गंगा कहाँ पर है। पहले सर्च कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वहाँ देखिए आप गंगा कहाँ पर है। तो देखिए गंगा के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि गंगा को पद्मा, जाह्नवी, सुरसरी, देव नदी, भगीरथी आदि नामों से भी जाना जाता है। गंगा नदी जो है उत्तराखंड प्रांत के उत्तरकाशी जनपद में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3,900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह यहाँ पर क्या होता है, यहाँ यह भगीरथी के नाम से जानी जाती है और आगे चलकर इसके नाम काफ़ी सारे चेंज होते हैं। देखिए इसका नाम क्या है, गंगा कब पड़ता है, बात आती है ये कि हम गंगा को गंगा कब बोलते हैं। गंगा को हम गंगा कब बोलते हैं, जब इसके दो नदी शीर्ष मतलब दो नदियां आपस में मिल जाती हैं, जैसे कि अलकनंदा तथा भगीरथी देव प्रयाग में आकर मिलती हैं, तब ये कहलाती है गंगा। अलकनंदा का स्रोत है आपका बद्रीनाथ के ऊपर सतोपद हिमनद। अलकनंदा का उद्गम कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है आपका सतोपद हिमनद से। क्वेश्चन एग्जाम में ये यूपी के कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना मैं मैक्सिमम फोकस कर रहा हूँ यूपी स्टूडेंट को। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज यही है कि जो बच्चे यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी का कोई भी फॉर्म भरते हैं, चाहे छोटा लेवल का एग्जाम हो या फिर किसी यूपीपीएससी स्टेट लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, वहाँ पे जीएस पेपर वन में ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, इसलिए आप इसका हिमनद का नाम याद रखना।
इसके हिमनद का नाम है सतोपत हिमनद। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग फिलहाल कि फरक्का के बाद गंगा के मुख्य धारा पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो पद्मा नाम दिया जाता है गंगा को कहाँ पर जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो बांग्लादेश आपको फोकस रखना है और इसे वहां पर पुकारा जाता है पद्मा। इंडिया में हम लोग इसको बोलते हैं गंगा गंगा, लेकिन बाद में जब गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है तो ये बन जाती है पद्मा। अब देखिए अकेले भारत में गंगा का जो अपवाह क्षेत्र है, कितने क्षेत्रफल पर गंगा जो है भारत में बहती है वो एरिया बताइए। ये है आपका 861,404 वर्ग किलोमीटर पर गंगा का अपवाह क्षेत्र है। राइट, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा और रहना भी चाहिए। गंगा नदी को पवित्र नदी या प्राणदायिनी भी कहा जाता है। गंगा यमुना सरस्वती के मिलन स्थल को संगम या प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम या प्रयाग। जैन धर्म का पर्यटन स्थल कंपिल गंगा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? गंगा नदी के किनारे स्थित है क्या? कंपिल। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी राज्य के कुल कितने जनपद ऐड होते हैं जहाँ से ये गंगा नदी बहती है? ये है आपके 28 जनपद। जी हाँ, 28। अब देखिए उत्तर प्रदेश में गंगा के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों में रामगंगा, गोमती एवं घाघरा तथा दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं उनके नाम आप याद रखना। ये नाम आपने अपने कहीं ना कहीं एग्जाम में पक्का सुना होगा। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यमुना, टॉन्स, चंद्रप्रभा तथा कर्मनाशा आदि प्रमुख नदियाँ हैं। दाईं ओर से कौन मिलती है, बाईं ओर से कौन मिलती है, ये सभी नाम आपको याद रखने हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बुक को इसी तरह से आप हाईलाइट करना। अब हम बात करते हैं मुख्य नदी गंगा एवं अन्य नदियों के संगम स्थल भागीरथी। पहले हम बात करते हैं भागीरथी, तो हमको पता करना है इसकी सहायक नदी कौन सी, हमको इस पर फोकस नहीं करना है। लेकिन 1, 2, 3 जो है भागीरथी, अलकनंदा, गंगा, इन तीनों की हमको पहले सहायक नदी पर फोकस करना है। संगम स्थल कहाँ पर होता है वो पता करना है हमको। अब देखिए भागीरथी की सहायक नदी बहुत सारी है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट है आपकी अलकनंदा। ठीक है, और ये दोनों मिलती हैं कहाँ पर? ये दोनों मिलती हैं देव प्रयाग में। देव प्रयाग कहाँ पर है? ये है आपका उत्तराखंड में, उत्तरांचल, उत्तराखंड। आपको पता है ना कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से काट करके मतलब अलग करके उत्तराखंड का निर्माण हुआ था? तो ये जिले थे उत्तर प्रदेश के 14 जिलों को कट करके मतलब उसको अलग करके उसमें से एक अलग से राज्य बनाया, उसका नाम था उत्तराखंड। अब देखिए अलकनंदा की सहायक नदी कौन कौन सी है? धौली, गंगा, ये सभी नदी क्या है? इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी मंदाकिनी। इन दोनों का मिलन कहाँ पे होता है? तो इनका संगम स्थल है वो है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कहाँ पर होता है? तो ये है आपका उत्तराखंड में। फिर हम बात करते हैं गंगा की, बहुत सारी सहायक नदी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये सभी, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है यमुना, टॉन्स, गोमती, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और एक है आपकी कोसी और महानंदा, ये याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं यमुना, यमुनोत्री नाम पड़ जाता है इसका कहाँ पर? जब ये उत्तरकाशी जो हिमालय में बंदर पूंछ श्रेणी की पश्चिम ढाल पर 6,316 मीटर ऊंचाई पर स्थित होती है। अब देखिए क्या होता है कि मैदानी भाग में प्रवेश करने से पहले इसमें टॉन्स, गिरी तथा आसन नदियाँ मिलती हैं। गंगा नदी के लगभग समानांतर बहने के बाद यह नदी प्रयाग मतलब इलाहाबाद के निकट गंगा में जा मिलती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि कहाँ क्या मिलती है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसकी टोटल लंबाई कितनी है यमुना की, ये क्वेश्चन एग्जाम में केवल पूछा गया है। तो ये है आपकी 1375 किलोमीटर। राइट, बड़े आगे, बिल्कुल। अब देखिए यमुना एवं उसकी सहायक नदियों का संगम स्थल क्या है? देखिए सहायक नदी अगर यमुना की टॉन्स है तो उसका संगम स्थल होता है उत्तराखंड में। ये दोनों नदी कहाँ मिलती है? उत्तराखंड में। सेकेंड है आपका इम्पॉर्टेंट 5 वाला जो पॉइंट है चंबल, यमुना चंबल आपस में जो मिलती है इनका संगम होता है कहाँ पे? मुरादाबाद में। और बात करें अगर यमुना और बेतवा की, इन दोनों का मिलन होता है हमीरपुर में। देखिए नदियों के बारे में आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन तो पक्का पूछेगा, इसलिए नदियों पे आपको मैक्सिमम फोकस रखना है। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार वॉच करना। जी हाँ, इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार वॉच करना और बड़े ध्यान से इन सभी पॉइंट को अगर आप पेन डाउन करना है
तो साफ साफ इसको किसी पेपर में लिखना और उसका मैक्सिमम रिविजन करना। अब हम बात करते हैं चंबल नदी के बारे में कि जनापाव पहाड़ी में स्थित सिंगार चोरी चोटी से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है कौन सी चोटी से? सिंगार चोरी चोटी से। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ से उत्तरमुखी होकर एक महाखंड में बहती हुई यह राजस्थान में कोटा पहुँचती है, जहाँ इस पर गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ है। याद रखना, गांधी सागर बांध आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को पूरा कंप्लीटली आप एक बार और इसको खुद पढ़ें, वीडियो को पॉज करें यहीं पे। फिर हम बात करते हैं आपसे कि चंबल नदी अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, जिसे बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं चंबल खंड। अब देखिए, काली, सिंध, बनास, पार्वती, क्षिप्रा, बेतवा, मेज, कुमारी तथा खारी इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। फिर हम बात करते हैं गंडक के बारे में कि गंडक जो है, गंडक नदी दो धाराओं से मिलकर बनी है, उन धाराओं का नाम क्या है? काली गंडक तथा त्रिशूल गंगा। और यह नेपाल में शालिग्रामी तथा मैदान में नारायणी के नाम से इसको जाना जाता है। तो नेपाल में कौन सी नदी धारा को नारायणी के नाम से जाना जाता है? तो यह है आपकी गंडक, याद रखना। और देखिए इसकी कुल लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। घाघरा नदी, इसको हम लोग सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना, इसको हम लोग सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। यह नदी तिब्बत के पठार में स्थित एक हिमनद है, जिसका नाम है क्या? माप चांचू को। इस हिमनद से निकलकर नेपाल में बहने के बाद यह भारत में प्रवेश कर जाती है। और यह नदी पर्वतीय प्रदेश में कर्णाली तथा मैदानी प्रदेश में इसको बोलते हैं घाघरा। ठीक है, अगर यही नदी बहती है पर्वतीय प्रदेश में तो वहाँ पे तो उसको बोलते हैं लोग कर्णाली, लेकिन अगर ये बहती है मैदानों में तो उसको बोलते हैं घाघरा। अब देखिए इसकी कुल लंबाई कितनी है? अयोध्या में यह सरयू के नाम से जानी जाती है। अगर आप अयोध्या में जाते हैं, वहाँ आप बोलते हैं घाघरा नदी, तो उसको कोई नहीं जानता। अगर आप बोलोगे मुझे सरयू रिवर में गोता लगाना है, तो आपको तुरंत बोलेंगे अयोध्या चले जाओ। शायद काफ़ी लोग, आप लोगों ने शायद ये नदी देखी होगी, काफ़ी जगह सरयू में आपने स्नान भी करा होगा, अयोध्या आप गए होंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। और देखिए कुल लंबाई कितनी है इसकी? तो ये है आपकी 1080 किलोमीटर। और शारदा नदी, देखिए इसको गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, टनकपुर के बाद इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। टनकपुर तक इसको बोलते हैं शारदा नदी, उसके बाद में इसको शारदा के नाम से भी जाना है। देखिए सीतापुर के बासरा तथा बहराम घाट के पास यह घाघरा नदी में मिल जाती है। राप्ती नदी, राप्ती नदी के बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी बस आप लेंथ एक बार देख सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या है। इसकी लेंथ है 440 किलोमीटर। और उसके बाद में हम बात करते हैं रामगंगा के बारे में कि यह अपेक्षाकृत छोटी नदी है, जो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में कुमाऊं हिमालय श्रेणी के दक्षिण भाग से दूधा तोली पर्वत से निकलती है। और यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में कालागढ़ किले के निकट मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। फिर हम बात करते हैं बेतवा नदी के बारे में कि इस नदी को संस्कृत में वेत्रवती कहा जाता है। किस नदी को संस्कृत में वेत्रवती कहा जाता है? ये इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो यह है आपकी बेतवा नदी। सिंध नदी के बारे में बात करेंगे, कुल लंबाई इसकी 416 है और उत्तर में यमुना नदी में जाकर के ये मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए गोमती नदी की कुल लंबाई है 940 किलोमीटर। ये स्थलीय नदी है, मतलब कि ये स्थल में बहती है। और टोंस नदी क्या है? बिहार जलप्रपात 110 मीटर ये ऊंचा है और बेलन इसकी मुख्य सहायक नदी है। टोंस नदी की सहायक नदी का नाम बताइए, तो ये है आपकी बेलन। याद रखना क्या है इसका नाम? इसका नाम है बेलन। और उसके बाद में इसका 265 किलोमीटर लंबी टोंस नदी सिरसा इलाहाबाद के निकट गंगा में मिल जाती है। केन नदी के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, मैप में भी आप जरा फोकस करते रहना, ठीक है? केन नदी कहाँ पर पड़ रही है, सोन नदी कहाँ पर पड़ रही है, ये सभी नदी आपको मैप में भी ध्यान रखना है, अगर मैप आप लेके बैठे हो तो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसकी कुल लंबाई जो है वो 427 किलोमीटर लंबी यह नदी कैमूर पहाड़ियों से निकलकर बुंदेलखंड से प्रवाहित होती है, बांदा जनपद में प्रवेश करती है तथा इसी जनपद के बोझा नामक स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। सोन नदी, स्वर्ण नदी के नाम से सोन नदी को जाना जाता है। अमरकंटक पठार के सोसा कुंड नामक स्थान से ये निकलती है। 780 किलोमीटर लंबी सोन नदी की मुख्य सहायक नदियों में बनास,
गोपद, रिहंद, कुनहड़ आदि प्रमुख हैं। अब देखिए प्रमुख नगर कौन से नगर कहाँ पर बसे हुए हैं, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, उनको इनका नाम याद रखना है। तो ये कंप्लीटली आप इसी तरह से बुक में अपने हाईलाइट करना है इसको। अब देखिए अब इसमें से भी कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम में आपको ये सभी याद करने हैं। इसमें आपको हमीरपुर भी इंपॉर्टेंट है, कौशाम्बी भी इंपॉर्टेंट है, मथुरा, वृंदावन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अयोध्या, सरयू अभी हमने देखा था कुछ समय पहले ये क्वेश्चन, तो उसमें ये गोमती के साथ में इंपॉर्टेंट है आपका सीतापुर और लखीमपुर खीरी। इन दोनों के बारे में ये पूछता है एग्जाम में कि लखीमपुर खीरी खीरी जो है कौन सी नदी के किनारे तट पर बसी हुई है वगैरह वगैरह, तो ये है आपका गोमती। अब देखिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन झीलों में केवल दो तीन इंपॉर्टेंट हैं, जैसे आपका मोती झील कहाँ पर अवस्थित है, यह है रामपुर में, और गौर झील कहाँ पर है, रामपुर में, अलवारा झील कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी कौशाम्बी में। बाकी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मैं येलो येलो हाईलाइट करवा रहा हूँ। अब देखिए राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना, इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि 14 राज्यों के कुल 58 झीलों के संरक्षण हेतु स्वीकृति सन 2009 तक प्रदान की गई थी, और उत्तर प्रदेश प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं। पहला है आपका सबरी जलप्रपात। देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जलप्रपात हैं, लेकिन आप नोट्स बनाइए उसमें लिखिए सबरी जलप्रपात डायरेक्ट, ठीक है ना। यह जलप्रपात जामनुहाई गांव के निकट मंदाकिनी नदी पर अवस्थित है। तो सबरी जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है, तो यह है आपका मंदाकिनी नदी पर अवस्थित है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सिद्धनाथ डारी जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये चुनार जो मिर्जापुर जनपद में स्थित है, तो इसके साथ में ही आपको याद रखना है कि 14 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। फिर हम बात करते हैं आपसे उत्तर प्रदेश के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल कितना है, तो यह 196.28 लाख हेक्टेयर, तथा शुद्ध सिंचित क्षेत्र है इसका 134 लाख हेक्टेयर। अब देखिए उत्तर प्रदेश के कुल सिंचित जो क्षेत्रफल में 18.9% नहरों से, 71.5% नलकूपों से, 8.6% कुओं से सिंचाई होती है। ये परसेंटेज आपको याद रखना है, याद रखना कि ये परसेंटेज आपको याद रखना है, नहरों से कितना परसेंट होती है सिंचाई, नलकूपों से कितना परसेंट और कुओं से कितना परसेंट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए पंजाब जो है प्रथम स्थान पर है, जबकि मिजोरम क्या है अंतिम स्थान पर है, जो क्या करता है कि इतने इतने परसेंट के हिसाब से अपनी अपनी सिंचाई करता है। अब देखिए भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान फर्स्ट है, प्रथम नंबर पे कौन है, उत्तर प्रदेश। अब देखिए तालाब में क्या होता है, तालाब, पोखर एवं झील द्वारा उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल से ही सिंचाई की जाती थी, मतलब की जाती है। यही कारण है कि सिंचाई का सबसे प्राचीनतम स्रोत कौन सा है, अगर सिंचाई का सबसे प्राचीनतम स्रोत कौन सा था आपके एग्जाम में अगर आपको ये पूछता है, तो वो है आपका तालाब। और बात करें नलकूप के बारे में कि भारत में पहला प्रयोग सन 1930 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। नलकूप का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ में, और कब हुआ था वर्ष आपसे पूछेगा अगर, तो ये हुआ था 1930 में। देखिए उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है किस चीज में, नलकूप में, और सेकंड नंबर पे है पंजाब, और थर्ड नंबर पे है आपका बिहार। बात करें नहर की, तो नहर इतना इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन नहर भी क्या है इसमें, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम नहरों से सिंचाई होती है, नलकूपों से सिंचाई होती है। अब देखिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नहरों की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है आपकी 74,000 किलोमीटर। ये मैंने हाईलाइट इसलिए करा है क्योंकि UPSC प्रीलिम्स एग्जाम GS पेपर 1 में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इवन UP के जो भी कॉन्स्टेबल वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए आपको ये फिगर याद करनी है 74,000 किलोमीटर। अब देखिए भारत में सिंचाई के जो वर्ग हैं कितने भागों में इसको डिवाइड करा गया है, इसकी योजनाओं को, तो इसको तीन भागों में डिवाइड करा गया है, एक तो होती है सबसे बड़ी, एक होती है मीडियम, एक होती है लघु। तो आपको इसकी जो रेंज है वो याद नहीं करनी है, कितने हेक्टेयर से कितने में कौन सी मध्यम श्रेणी है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ना ये पूछता है आपसे एग्जाम में। अब देखिए हम बात करते हैं प्रमुख बांध के बारे में, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से बांध हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश में बनाया गया सबसे बड़ा पहला बांध, सबसे पहला बांध कौन सा है, उसका नाम क्या, उसका नाम है पंचवाड़ा झील बांध, जिसका निर्माण झांसी जनपद में मऊ
रानीपुर के पास 1694 ईस्वी में किया गया था। और उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, अगर ये बात करी जाए तो वो है आपका रिहन बांध। बात करी जाए सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है आपका अदवा बांध। देखिए पहाड़ी बांध संबंधित नदी है, इसका स्थानीय नाला निर्माण हुआ था 1912 में, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसको हाईलाइट करा है। फिर आपका गोरी बांध, तो गोरी बांध जो है 1915 में बना था, ऊंचाई इसकी इतनी है, तो ऊंचाई वगैरह नहीं पूछेगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल पूछ सकता है कि इसका क्षेत्र कहाँ पर है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, कौन से जनपद में है। तो आपको शहर का नाम और जनपद का नाम दोनों ही याद करने हैं, तो इसलिए आप याद रखना पहाड़ी बांध जनपद है झांसी, गोरी बांध ये है आपका मिर्जापुर। उसके बाद में नदवा बांध संबंधित नदी का नाम क्या है, जहाँ पे ये बांध बना है, तो उसका नाम है कर्मनासा, और जनपद है इसका सोनभद्र। तो सोनभद्र में कौन सा बांध बनाया गया है, तो वो है आपका नदवा बांध। उसके बाद में अर्जुन बांध 1957 में बना था, सहायक नदी है इसकी फिलहाल की अर्जुन, और जनपद है इसका महोबा। रानी लक्ष्मीबाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1958, नदी का नाम है बेतवा और जनपद का नाम है ललितपुर। रिहंद 1962 और जनपद का नाम है इसका सोनभद्र। ओबरा देखिए अगेन ओबरा, तो ये अगेन तो कह नहीं है, शायद पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र हुआ था कहीं ना कहीं। देखिए ओबरा बांध जो है संबंधित नदी का नाम है रिहंद और इसका जनपद है सोनभद्र। अब हम बात करते हैं नहरों के बारे में, गुंडक नहर कहाँ पर है, तो गुंडक जो नहर है, गंडक नहर, गुंडक नहर कुछ भी कह सकता है, ये परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। 1959 ईस्वी में एक समझौते के अनुसार नेपाल भी इसमें सम्मिलित हो गया, तो ये तीन लोगों से मिलकर बनी है, उत्तर प्रदेश बिहार और नेपाल, लोग नहीं एक्चुअली स्थान। बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना तीन राज्य क्रमशः यूपी एमपी बिहार की संयुक्त परियोजना है। एग्जाम में एक्चुअली आपसे परियोजना और उनसे संबंधित जो भी ये नाम है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार और या फिर इस तरह के नाम आपसे जरूर पूछेगा एग्जाम में, ये नाम भी आपको याद रखने हैं। फिर हम बात करते हैं के नहर के बारे में, के नहर परियोजना दो राज्यों से मिलकर बनी है, एक है एमपी एक है यूपी। आगरा नहर से चार राज्य क्रमशः कौन कौन से, हरियाणा दिल्ली राजस्थान उत्तर प्रदेश को बेनिफिट मिलता है। आगरा नहर से किस किस को बेनिफिट मिलता है, कौन कौन क्षेत्र जो होते हैं लाभान्वित होते हैं, एग्जाम में आपसे ये पूछेगा, तो आपको चारों नाम याद करने हैं, दिल्ली हरियाणा राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उसके बाद में ये सभी हम स्किप कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम बात करते हैं शारदा नहर, जी हाँ मैप में देखिए आप शारदा नहर एक बार, कि यह नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर प्रणाली है। इसका निर्माण 1920 से लेकर के 1928 के मध्य में हुआ था, कुल लंबाई है इसकी 12,368, और इसी नहर पर खातिमा जल विद्युत केंद्र स्थित है। जी हाँ कौन सा केंद्र स्थित है, यह आपका खातिमा जल विद्युत केंद्र। फिर हम बात करते हैं सरयू नहर के बारे में, कि सरयू नहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित जनपद में घाघरा सरयू एवं राप्ती नदियों के जल से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है। 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, इस परियोजना का पूरा लक्ष्य रखा गया है 2016 तक। और उसके बाद में हम बात करते हैं आपसे रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर के बारे में। देखिए फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर बेतवा नदी के बारे में हम देख रहे हैं, कि बेतवा नदी से झांसी के परीक्षा नामक स्थान से ये निकाली गई, और इस नहर का निर्माण कब हुआ। बेतवा नहर जो थी इसमें परीक्षा नामक स्थान से तो ये निकलती है, और उसका जो निर्माण हुआ था 1885 में हुआ था। और इस नहर के दो मुख्य शाखाएं हैं, एक है आपका हमीरपुर शाखा और सेकंड है आपका कठोना। अब देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर जो है ये, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते, देखिए झांसी तथा ललितपुर जनपद में बेतवा नदी पर माता टीला नामक स्थान पर निर्मित है कौन सा बांध, तो ये है आपका माता टीला बांध। अब इसका नाम परिवर्तित हो गया, इसका नाम अब बन गया है रानी लक्ष्मीबाई बांध। कहाँ पर है ये याद रखना आप लोग। अब देखिए इसमें क्या था, गुरसराय बे मंदर नामक दो नहरें निकाली गई हैं, तो आपको एग्जाम में इन दोनों नहर का नाम दे देगा और आपसे ये बोलेगा कि ये कहाँ से निकाली गई हैं, दो नहरें कहाँ से निकलती हैं, तो ये निकलती है रानी लक्ष्मीबाई बांध के द्वारा। पॉइंट नंबर 10 देखते हैं हम लोग, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना।
यह परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में इसका निर्माण हुआ। बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण हुआ है। तो आपको स्टेट का नाम भी याद करना है और आपको याद रखना है जनपद का नाम भी, दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं रिहंद घाटी योजना नहर। तो इसका टोटल जो क्षेत्रफल है सिंचाई का वो कितना है, डायरेक्ट एग्जाम में बस के आपसे क्षेत्रफल ही पूछेगा। तो ये है आपका 40 लाख एकड़। उत्तर प्रदेश की पंप नहर, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 28 पंप नहरों का निर्माण किया जा चुका है। अब देखिए उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई योजनाएं कौन कौन सी है। देखिए उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग 77% भाग की सिंचाई लघु सिंचाई साधनों द्वारा की जाती है। उल्लेखनीय है कि 79% भाग की सिंचाई निजी साधनों द्वारा की जाती है। अब देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना, इसमें क्या हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है 2012 में, हाईलाइट बहुत ज़्यादा रहा था। ये ऐसा नहीं कि अब एग्जाम में नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे अभी भी। तो इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। देखिए नवंबर 2012 से संचालित इस योजना के तहत गहरे तथा कठोर भूभाग वाले क्षेत्रों में बोरिंग हेतु सामान्य श्रेणी के लघु वे सीमांत कृषक समूह को अधिकतम 3,92,000 तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ओबीसी अल्पसंख्यक इन सभी किसानों को 5 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। तो ये अमाउंट आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये किस योजना के अंतर्गत दिया जाता है तो आपको याद रखना है, क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना के तहत। चेक डैम निर्माण योजना कहाँ पर बनी है, क्वेश्चन एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये बन गया। ये है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में वर्ष 2008 से 2009 से संचालित इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा वर्षा जल संग्रहण तथा भूगर्भ जल संवर्धन हेतु चेक डैम का निर्माण करवाया जा रहा है। अब देखिए गंगा जल परियोजना जो है, इस परियोजना का निर्माण दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप प्रताप बिहार में किया जा रहा है। ठीक है, 50 क्यूसेक क्षमता वाली इस परियोजना से नोएडा एवं गाजियाबाद को अतिरिक्त पेयजल की आपूर्ति संभव हो पाएगी। और फिर हम बात करते हैं हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज थोड़ा देखना इसके बारे में ध्यान से देखिए। इसे अब क्या हो गया, इसे अब नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। इसका ओल्ड नेम क्या था, इसका नाम था हथनी कुंड, नाम चेंज होकर के क्या पड़ गया इसका, नया ताजे वाला बैराज। थोड़ी क्लैरिटी नहीं होगी क्योंकि खुद ही स्कैन करा गया है ये पूरा पेज, बुक का पेज निकाल निकाल के एक एक स्कैन करने के बाद में भी कुछ पेज ऐसे होते हैं जो क्लैरिटी नहीं दिखाते हैं, शायद ये बुक में दिक्कत होगी प्रिंटिंग वगैरह। अब देखिए पड़ते हैं कि यह 5 राज्य क्रमशः हिमाचल प्रदेश हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजनाएँ हैं। इस बैराज का निर्माण हुआ 1872 ईस्वी में सहारनपुर के पास यमुना नदी पर किया गया। बस आपको इतना ही ध्यान देना है। आगे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश नदी जोड़ परियोजना, नदी जोड़ परियोजना। देखिए 25 अगस्त 2005 को केन एवं बेतवा नदी को आपस में जोड़ने का समझौता किया गया। केन नदी के पानी को बेतवा में ट्रांसफर करा गया। मध्य प्रदेश में पन्ना के निकट दोधन में एक बांध का निर्माण भी किया जाना है। तो आगे देखते हैं हम लोग की भूगर्भ जल कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल संपदा से संबंधित समस्याओं के अध्ययन सर्वेक्षण आकलन नियोजन एवं संवर्धन हेतु 1975 ईस्वी में भूगर्भ जल विभाग की स्थापना की गई। 2001 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में वर्षा जल संग्रहण नीति लागू करी गई। उत्तर प्रदेश में ये नीति कब लागू करी गई थी, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से ये बना है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ये बन चुका है कई बार आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना है ये वर्ष क्या है, 2001। 2010 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमिगत
जल के अति दोहन को रोकने हेतु जल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण का गठन किया गया। इस प्राधिकरण के तहत एक कानून बनाकर भूमिगत जल के अति दोहन को अपराध की श्रेणी में रखा गया तथा दोषी व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास, 2,000 रुपये प्रतिदिन की दर से आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं, कितने तहसील हैं, ये आपको याद करना है। 36 जनपद के 108 तहसीलों में अति दोहन के कारण भूमिगत जल का स्तर है काफ़ी नीचे हो रहा है, भूमिगत जल में काफ़ी कमी हो रही है वहाँ पर। और इन तहसीलों में सर्वाधिक 66 तहसील पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। अब हम देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो अभी हमने चैप्टर देखा है उसी में से ये सभी क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। तो अब हम इन सभी क्वेश्चन पर फोकस करते हैं कि हमारे कितने राइट आंसर है, कितने रॉन्ग आंसर है। आप एक बार आपने वीडियो ढंग से देखा है तो आप इन सब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा और अपना फाइनल स्कोर मुझको बताना प्लीज़ मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना फाइनल आंसर देंगे। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले पहले क्वेश्चन की। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है, उसका नाम क्या है। ए बी सी डी आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको राइट आंसर चूज करना है इसमें। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, अभी जो हमने लिस्ट देखी थी उसमें राइट आंसर है आपका हमीरपुर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का नाम बताइए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का नाम हमसे पूछ रहा है, तो ये नाम क्या है, तो ये नाम है आपका शारदा नहर। देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये यूपी पीसीएल 2003 मेंस में पूछा गया है, यूपी यूडीए एंड एलडीए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है, तो यह है आपकी गोकुल बैराज परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है, नेवर नहीं, नो नेगेटिव पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जाम में कुछ बच्चे नहीं पे हैं, गौर नहीं करते हैं और कुछ गलत अपना आंसर लगा के आते हैं, तो पहले क्वेश्चन से एग्जाम में ढंग से पढ़ना है, समझना है कि वो क्या पूछ रहा है हमसे। तो उसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट और थर्ड, जी हाँ, गोमती और बेतवा। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं, किस किस के द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1, 2, 3, 4। तो इसका अवरोही क्रम पूछ रहा था हमसे, एग्जाम में अवरोही क्रम पूछेगा आपसे, और मेंस में अवरोही क्रम पूछा गया था। सबसे पहले सेकंड नंबर पे आता है आपका नलकूप, नहरें, तालाब व कुएं एवं अन्य साधन, तो यह है इसका सही ऑर्डर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि निचली गंगा शहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है। ए बी सी डी आप सभी के सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, नरोरा। गोविंद वल्लभ पंत, ये सागर कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपका सोनभद्र जनपद में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित होते हैं, तो इसका सही आंसर है आपका हाथरस, और हाथरस भी है आपका, अलीगढ़ भी है और आपका आगरा भी है, ठीक है, आगरा नहीं मथुरा भी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा आपका वो निकलेगा आपका डी, 2, 3, 4, 2, 3 और 4, ये आप ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। अब ये सभी चीज़ें ना आप अगर मैप में देखेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। अगर आपको लगता है ना कि ठीक है मुझे याद नहीं होती जीके वगैरह, तो जहाँ पर भी मौका मिलता है आपको मैप उठा करके स्टडी करने का, तो मैप उठाने में आप कंजूसी मत करिए, फटाफट मैप को उठा करके सभी वीडियो जो भी होते हैं आप देखिए, इस चैनल के काफ़ी यूजफुल हैं। अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा ऊंचा जो बांध है वो कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा जो बांध है वो है आपका रामगंगा, और उत्तर प्रदेश का पारची बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपका बेतवा नदी पर। अब देखिए किस राज्य में नलकूप द्वारा सिंचित भूमि का जो क्षेत्र है सबसे अधिक है, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसका राइट आंसर है आपका गंगा।
क्वेश्चन नंबर 13, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह आपका यमुना नदी पर। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है आपका गंगा। और माता टीला परियोजना कहाँ पर स्थित है, कौन सी नदी पर? तो ये आपका राइट आंसर है इसका बेतवा। 14 का आंसर गंगा था, 15 का आंसर है आपका बेतवा। क्वेश्चन नंबर 16, सुमिलित नहीं है कौन मैच जो करा गया है? राजघाट बांध यमुना पर है, क्या ये गलत है, क्या ये गलत है, क्या ये गलत है, या फिर ये गलत है? हमको चूज करना है इसमें अपना रॉन्ग जो मैच मेकिंग है वो है आपका राजघाट बांध यमुना पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अगेन नहीं है पूछ रहा है, यूपी के एग्जाम में एक्चुअली नहीं है के बारे में बहुत पूछता है, बच्चे सोचते कि है, उनको जो भी सही लगता है वो तुरंत अपना आंसर आके आ जाते हैं। इसलिए मैं अगेन आपसे कहूँगा कि क्वेश्चन पर फोकस करिए कि वो क्या पूछ रहा है हमसे, पहले समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है जौनपुर, सी वाला जो है आपका, ये आपका रॉन्ग रहेगा, इसमें सुमेलित नहीं है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजनाएं हैं जो बनाई जा रही हैं कहां पर, कौन सी नदी पर? पहली बात तो इसका संबंध किससे है, तो यह है आपका यूपी और एमपी से। ये कौन सी नदी पर बनाई जा रही है, हमको फोकस करना है इस पर, तो ये बनाई जा रही है आपकी बेतवा नदी पर। कहाँ पर? बेतवा पर। देखिए, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो कॉमन सी बात है, हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं तो आंसर भी इसका होगा उत्तर प्रदेश। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, अभी हमने देखा है ये सभी क्वेश्चन, हमने एक्चुअली इसी वीडियो में हमने अभी देखे हैं, बस हमको खुद को चेक करना है कि हमने कितना ध्यान से पढ़ा। वीडियो देखते समय हमारा ध्यान शर्मा जी वर्मा जी की टेंशन में तो नहीं था, कहीं हम लोग किसी व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कहीं उलझे तो नहीं पड़े थे, या किसी कॉल में बिजी तो नहीं हो गए थे? तो अटेंशन बना के चलिए हर एक वीडियो के साथ में, बेनिफिट तभी मिलेगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बेतवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 21, माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही जवाब जो है वो है आपका उत्तर प्रदेश। देखिए, गंगा के दाहिने किनारे पर कौन सा जो शहर है वो नहीं है? इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर। अगर आपने मैप में गंगा नदी का बहाव देखा होगा, यूपी का मैप में अगर आप देखा होगा गंगा बह रही है, तो शायद उसका आपको इसका आंसर आता होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है आपका वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है वो है आपका डी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24, हमको इससे इसका मिलान करना है। जी हाँ, हमको इसका इससे मिलान करना है, कौन सा सही आंसर है वो हमको इसमें अभी चूज करना है। 24 का जो राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी। क्या है? बी। 4, 2, 1, 3, मतलब 4, 2, 1, 3। इसी क्रम में आपको ये सभी क्वेश्चंस याद करने हैं, स्थान और उनके साथ सम्मिलित जो नदी का नाम है वो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के। 25 सूची फर्स्ट और सेकंड मिलाकर सही कुल बनाना है हमको इसमें। तो 25 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका बी, 2, 4, 3, 1। 2, 4, 3, 1 ये है इसका राइट आंसर। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। एक एक चैप्टर की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, तो आप बोर मत होना। देखिए, पढ़ना है किसी भी स्टैंडर्ड बुक को लेके आप पढ़िए। अगर आप वीडियो में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो आप डायरेक्ट ये बुक को परचेज करके मार्केट से इसको सेल्फ स्टडी करिए, और एक बुक को आप 10 बार पढ़िए बजाय कि 10 बुक को एक बार भी ना पढ़ने से। मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, और मैं अब इस वीडियो का यहीं पे अंत करता हूँ। और आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर करिए उन तक, अपने यूट्यूब, अपना व्हाट्सअप के थ्रू शेयर करिए, फेसबुक के थ्रू शेयर करिए, जैसे भी आप शेयर कर सकते हैं वैसे इस वीडियो को शेयर करिए। ऑप्शन बहुत सारे हैं,
ठीक है, ऑप्शन बहुत सारे हैं शेयर करने के लिए, वहाँ से आप शेयर करिए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप पेटीएम के माध्यम से कंट्रीब्यूट चैनल को कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के बैकएंड में बिहाइंड द वीडियो, तो अगर हम बात करें कि वीडियो जो हम बनाते हैं उसके बैकएंड में काफ़ी सारी चीज़ें रन करती हैं, जैसे इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, वाईफाई सॉफ्टवेयर, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, एक माइक, बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। अगर आप वर्किंग है तो आप कंट्रीब्यूट करिए, पेटीएम नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप वर्किंग नहीं है, एज ए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपने कंट्रीब्यूट नहीं करना है, ठीक है। ये पेटीएम नंबर केवल उनके लिए है जो वर्किंग है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर वो हो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। आई होप आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करेंगे और उसको शेयर जरूर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम में बैठना है कॉन्फिडेंस के साथ में, ठीक है। कॉन्फिडेंस बनेगा जब आप पढ़ाई करेंगे, चाहे सेल्फ स्टडी करें या किसी भी चैनल के वीडियो के माध्यम से अपने नोट्स बनाएं, उनका रिवीजन करें। गॉट इट? बाय बाय।